Uttar Pradesh Congress President Ajay Rai, while speaking on the state budget that was tabled today, said that this budget is not about the farmers, it is not about the youth, it is not about women, it is not about the traitors, it is not about the laborers, the workers, or MNREGA are not getting money. It is meaningless. The government is only to cheat the public. budget <laughs> अपने एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं उस एजेंडे के लिए बनाए हैं पूरा बजट उसके लिए बना है किसानों की बात नहीं है नौजवानों की बात नहीं है महिलाओं की बात नहीं व्यापारियों की बात नहीं है और मजदूरों की कोई बात मनरेगा के मजदूरों को इतने महीनों से आज उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है पूरे लोग धरने पर कहीं बैठे हैं कहीं पूरे देश के अंदर आज मन, मनरेगा के पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं उस पर कोई बात नहीं की किसानों के बिजली बिल की माफ़ी इन्होंने कहा था किसानों को जो बिजली बिल्स जो सिंचाई के संसाधन में जो भी बिजली बिल लग रहा है ट्यूबवेल पंपिंग सेट उसका बिल नहीं लेंगे योगी जी ने घोषणा किया था उस पर कोई बात नहीं की ये पूरी तरीके से बजट निरर्थक जुन है और झुंझुन आया जा जाता नौजवान कहीं ना कहीं आंखें बिछाए देखा था कि हो सकता है इस बजट में जो है नौजवानों के लिए कुछ कहा जाए फिर नौजवान हिंदुस्तान छोड़कर बाहर के मुल्कों में जाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे देखते हैं सर अरे वो भी बाहर कहाँ जा रहा है जहाँ युद्ध चल रहा है युद्ध चल रहा है वहाँ भेजा जा रहा है इसराइल भेजा जा रहा है सोचिए उसके लिए भी नौजवान लाइन लगाए पड़ा हुआ है सोच सकते हैं कितना बेरोजगारी होगा कितना फ्रस्ट्रेशन होगा नौजवानों में कि वो नौजवान इसराइल जाना चाह रहा है जहाँ लगातार युद्ध चल रहा है जहाँ पे रोज मारकाट हो रही है वहाँ जाने के लिए तैयार है आप सोच सकते हैं आप कि कितना परेशान है यूथ हमारा कितना दिक्कत में है मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से ये सरकार केवल जनता को ठगने के लिए और जनता को बेकूफ़ बनाने के लिए ये बजट लाइए किसानों की बात कही जाए किसान भी कहीं ना कहीं इनकी तरफ आँखें उठाए हुए देखा था किसान भी विफल हो गया यही सोच रहा था कि अब मेरा साथ क्या होगा क्या फिर वही हत्या वाला मामला सामने नजर आएगा देखिए पूरी तरीके से ये किसान नौजवान महिला ये पूरी तरीके से ये सरकार विरोधी है और किसानों की तो परम विरोधी है किसानों का तो हमेशा इन लोगों ने कभी साथ नहीं दिया इनके ही मंत्री के द्वारा किसानों पर गाड़ी चलाकर उनकी हत्या की गई क्या हुआ फिर वो बेटा घूम रहा है तो किसानों की बात तो करना ही इनके लिए समझ लीजिए कि वो कोई मतलब ही नहीं है किसान को समझते ही नहीं लगातार यूरिया खाद के दाम बढ़ते गए जो पचास किलो की बोरी थी वो पैंतालीस किलो कर दी गई पाँच किलो वो भी घटा दिया गया बीज के दाम बढ़ा दिए गए तो ये केवल किसानों का शोषण करने वाली सरकार है ठीक है